बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं? आज मैं और मेरे पापा और मेरी बहन अल्लामा इकबाल के घर देखने जा रहे हैं। वो यहाँ सियालकोट पे पैदा हुआ था और अभी उसका घर यहाँ पे सियालकोट में मौजूद है। तो हम आपको दिखाने वीडियो में बहुत ही मज़ा और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अभी हम अल्लामा इकबाल के घर के सामने पहुँच गए हैं। ये वो घर है जहाँ पे सन 9 नवंबर 1877 को अल्लामा इकबाल इसी घर में पैदा हुए थे। ये घर आप देख सकते हैं, ये उसी तर्ज तामीर में अभी मौजूद है। कदीम तर्ज तामीर का शाहकार अल्लामा इकबाल अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मजरी, उनके रिहाइश गाह, ये उनके आबाई घर है। और ये घर सियालकोट में मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। अंदर से हम अपने सामीन को दिखाना चाह रहे थे लेकिन अंदर से बंद है, कोरोना की वजह से ये घर बंद किया हुआ है। फिर बाहर से हम आपका इसका नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, मुकम्मल तकरीबन 3-4 मंजिला घर है, 4 की 5 मंजिला और की 5 मंजिला घर है। ये देखें भाई, बहुत ही खूबसूरत। ये सामने इसका बोर्ड भी लगा हुआ है, ये देखे, जाए वलादत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। इसको मैं जूम करके आपको दिखा भी देता हूँ। ये बोर्ड है, देखे विवर, बहुत ही खूबसूरत घर है। आप भी अगर कहीं अल्लामा इकबाल के कदीम अपना आबाई घर अगर देखना चाहते हैं तो सियालकोट आके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही आपके रूह ताज़ा होगा, बहुत ही आपको मज़ा आएगा। ये देखें पेपर, मैं जूम करके इसका बोर्ड आपको दिखा रहा हूँ। ये मरकज़ी दरवाज़ा है, मरकज़ी गेट है। मरकज़ी गेट, ये गेट के ऊपर नंबर प्लेट लगा हुआ है और औकात भी लिखा हुआ है, लेकिन कोरोना की वजह से ये बंद है घर। अंदर हमें जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि इधर जो सिक्योरिटी वाला अमला भी मौजूद नहीं है। ये देखिए मेरे पास, आप देख सकते हैं रिहाइशगाह डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। शाही तेरे परवाज से जलता है ज़माना, तू और भी इस आग को बाजू के हवा दे। ये देखे व्यूअर्स, तो कैसी लगी हमारे आज की अल्लामा इकबाल का घर? अगर ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचता रहिए। तो दुआ में याद रखना, शुक्रिया।